हेलो टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं यहाँ पे बोबो को मालिश करने के लिए मैं उसके ड्रेस चेंज कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे बेडशीट पे एक टॉवल बिछा दिया है। थोड़े से मैं जल्दी जल्दी में थी तो मैंने सिर्फ टॉवल से ही काम चलाया, क्योंकि मुझे उसको वॉश करना था। और मैं उसको मस्टर्ड ऑयल से आज मालिश कर रही हूँ, तो वो मालिश करवाना नहीं चाहता है, लेकिन मुझे था कि ठंडियों में इचिंग भी होने लगती है, बच्चों को मालिश कराना बहुत ज़रूरी होता है, और एवरी डे तो अच्छे से डिटेल मालिश हो नहीं पाता है। तो मैं संडे को ही मैं चाहती हूँ कि एक बार डिटेल मालिश कर दूँ, लेकिन वो बार बार भाग रहा है, आप देख ही सकते हैं ना। इवन उसको मालिश करने के लिए बहुत परेशान करना पड़ता है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत ही परेशान करता है वो, एकदम से वो कंट्रोल में नहीं रहता। हेयर ऑयलिंग तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ उसको, लेकिन क्या बॉडी मालिश पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाती। छोटा था तो अच्छे से हो जाता था, लेकिन अभी तो मैं उसको इतने अच्छे से मालिश वो करवाना नहीं चाहता है। देखो ये हम उठ कर भाग रहा है, मैं बोल रही हूँ ब्लैंकेट में ऑयल लग जाएगा तुम ऐसे ना करो, लेकिन उसको पता है ना मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो बार बार वही करेगा, फिर बार बार उस साइड आ जा रहा है। तो मैं फेस पे लगाने जा रही हूँ उसको एलोवेरा, क्योंकि बच्चे धूप वगैरह में खेलते हैं तो थोड़ी टैनिंग वगैरह हो जाती है, तो एलोवेरा थोड़ा सा लगाने से ठीक रहता है। मैं कॉम कर दे रही हूँ क्योंकि उसको अपने उलझे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने ऑयलिंग किया था तो गुस्सा कर रहा था कि मामा हेयर कॉम करो मेरा, तब जाके मैं यहाँ से हिलूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। मैंने उसको भेज दिया धूप में बैठने के लिए, और मैं यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह सब अपना फोल्ड कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम था, उठने के बाद हम लोग कुछ देर ब्लैंकेट में बैठने के बाद मैंने पूनम के साथ कुछ कुछ काम करवाया था, लेकिन बेडरूम में मैं नहीं घुसी थी। संडे को कुछ मॉर्निंग में ज़्यादा ही काम हो जाता है, किचन के रूम के सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं पूरा बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि संडे को आप डिटेल में सब कुछ अच्छे से आराम से रिलैक्स होके करते हो ना। वैसे बचपन से एक आदत भी होती है ना कि संडे है, देखो मैंने फ़ोन अभी निकाला अंदर से और पता चला ये स्विच ऑफ है, तो क्या हुआ कि मैंने सुबह से फ़ोन भी नहीं देखा था। और मैं मुझे हमें लगता था कि संडे मतलब डिटेल क्लीनिंग, हमने मम्मी के टाइम से भी हम लोग सब यही करते हुए आ रहे थे, क्योंकि आदत होती है बचपन से। हम लोग अपने बचपन में भी हम लोग रैक वगैरह क्लीन करते थे, अपने बुक्स अरेंज करते थे। हमारे घर में मम्मी पापा यही बोलते थे कि ऐसे ही करना है, सब चीज़ें हमें बोलते थे, संडे आज ये करो, अपना ड्रेस क्लीन करो, ये करो वो करो। तो हैबिट है, अभी भी वही हैबिट चलती आ रही है। ये कहावत सही है कि बचपन में जो आदत पड़ जाती है ना, हमेशा वही लगी रहती है। तो मुझे भी अभी भी वही हैबिट है, और यहाँ पे मैं फटाफट से बेडशीट लगा रही हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे ना हम लोग इतना वाइट बेडशीट कैसे लगाते हैं। हम लोग को वाइट बेडशीट, हम लोग ऑब्सेस्ड हैं वाइट के लिए, हमारे फैमिली में सबको वाइट पसंद है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं वाइट बेडशीट लगाना। और थोड़ा मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, हम लोग आदत हो गई है तो हम लोग कर ही लेते हैं, वीक में 2-3 बार चेंज कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैं सब क्लीन वगैरह करके हटा दे रही हूँ, कारपेट वगैरह मैं बिछा रही हूँ, थोड़ा सा कारपेट वगैरह को भी धूप में दे दिया था मैंने, संडे को मेरी हैबिट है। और यहाँ पे सारे ब्लैंकेट्स मैं फोल्ड कर रही हूँ, और यहाँ पे सारे, एक्चुअली ये वाला ब्लैंकेट काफ़ी हैवी हो जाता है ना, तो बहुत वो लगता है, मुश्किल लगता है फोल्ड करने में, लेकिन अच्छे से जब सब फोल्ड वोल्ड हो जाए, घर अरेंज हो जाता है बहुत अच्छे से, तो देखने में भी अच्छा लगता है, लगता है हाँ अब हैप्पी संडे अपना बीतेगा। नहीं तो क्या होता है, आप गंदे क्लीन नहीं हुए रहते हैं चीज़ें, तो बहुत डिफ़िकल्ट। और रात मैंने लैपटॉप यूज़ किया था तो मैंने यहीं पर रख दिया था, आप लोगों को मैंने वीडियो तो शेयर किया ही होगा, आप लोगों ने देखा ही। और सारी चीज़ें मैं बोबो के ड्रेस वगैरह मैंने पहले से निकाल के रखे थे, जो गंदे कपड़े मैं धुलने के लिए भेज दिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिर्फ मैं ऑरेंज जूस बनाऊँगी और ऑमलेट बनाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैसा है ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा हैवी कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि हम बोबो को था कि जूस ही हम लोग पी लेंगे, रात में कुछ स्पेशल था, इसलिए हमने सोचा कि ऐसे कुछ भी तो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पील किए हुए ऑरेंजेस पूनम करके गई थी, तो वही मैं उसको डाल रही हूँ जूस के लिए, मैं बना के यहाँ पे स्टेन कर देती हूँ, फटाफट से हो जाता है। समटाइम्स ना लाइट ब्रेकफास्ट भी मॉर्निंग में संडे को अच्छा लगता है। मैं वैसे हर टाइम मैं छोले पूड़ियाँ ही ज़्यादातर बनाती हूँ, बड़े मैंने रात में बनाए थे जो साइड में आपको दिख रहे होंगे, मैंने उसको अच्छे से ढक के रखा था। और यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ सिर्फ नमक डाल के, बोबो नहीं खाता है मिर्ची, तो उसके हैबिट के कारण आजकल मैं भी ये चिली खाना मैंने भी छोड़ ही दिया है। तो कैसा होता है ना, बच्चे जो खाते हैं ना, तो मम्मियाँ कैसी होती है ना, बच्चे जो खाते हैं हम लोग भी उसी में एडजस्ट हो जाते हैं। जब तक वो नहीं खाता था तब तक अपने प्रेफरेंसेस होते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ऑमलेट मेरा यम्मी सा बन के रेडी है, और बोबो को हाफ फ्राई पसंद है, लेकिन मैंने आज ऑमलेट ही प्रेफर किया बनाना। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ है, बच्चे भी खाते खाते उनको भी लगता है एक ही चीज़ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो भी हैबिट हो जाती है, फिर और कुछ वो खाना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं चेंज कर करके दूँ, और यहाँ पे मैं जूस निकाल रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम लोग जूस पीते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि बचपन से हम लोग की ऐसी नहीं हैबिट है कि ठंडियाँ हैं तो जूस नहीं पीना है, तो बचपन से ठंडियाँ हैं तो आइसक्रीम नहीं खाना है, तो हम लोग की इम्यूनिटी अच्छी है। और यहाँ पे बोबो ढूंढ रहा है कि ये हाफ फ्राई क्यों नहीं दिया, किसके में हाफ फ्राई है, मैं भी दिखा रही हूँ, देखो मेरा, मैंने भी ऑमलेट बनाया है अपने लिए, और उसको मैं फटाफट से, उसको ऑमलेट खाना पसंद नहीं है फिर भी मैं देती हूँ कभी कभी, क्योंकि वो हाफ ही फ्राई खाएगा तो हैबिट तो कुछ डेवलप नहीं होगी उसकी। और यहाँ
पे वो जूस भी, एक ग्लास जूस के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। चलूं टू एवरीवन, और मैं यहाँ पे बोबो को नहला के खुद भी रेडी हो गई। अब बोबो यहाँ से जाएगा खेलने के लिए। मैंने संडे को मैं इसका ना बहुत अच्छे से ऑयलिंग वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि हर दिन इतना हो नहीं पाता है। इसको भी नहीं खाना है, इसको मैं भेजूंगी हाफ एन आवर के लिए नीचे। आज बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज कैंसिल हो गया है, क्योंकि मुझे आज जाना है मार्केट। कल तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किचन में। सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है, मैंने भी नहा लिया, बोबो को भी करा लिया, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, लाइट सा ब्रेकफास्ट था, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है तो मॉर्निंग में हैवी खाएंगे तो फिर लंच स्किप होता है, लंच स्किप करते तो ब्रेकफास्ट होता है। मैं आज बनाऊंगी सिर्फ आलू दम और पालक का पराठा, क्योंकि मुझे वही ईजी लगा, क्योंकि ठंडिया है ना, बहुत राइस खाने की इच्छा हो नहीं रही है, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। और सुबह में हमने खाए थे दही भल्ले, जो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, क्योंकि कल रात में मैंने बनाया था तो रखा हुआ था, और ऑमलेट बनाया और ऑरेंज जूस दिया था बस यहीं पे। और मैं लाइट से ही लंच बनाने वाली हूँ, यही है मेरा अभी तक का, मैंने जो रूटीन आप लोगों को दिखाया है बोबो के साथ, क्योंकि बच्चे संडे को ना बहुत ज़्यादा पैम्पर चाहते हैं अपनी मम्मी से, कि मम्मी घर पे है तो मम्मा थोड़ा टाइम स्पेंड करे, तो मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ उसके साथ मॉर्निंग में। बेसिकली कैसा होता है, मॉर्निंग थोड़ा सा आलस रहता है तो बेड पे ही बैठे के या झूले पे बैठ के बहुत सारा टाइम मैं भी टाइम पास ही करती हूँ। ये देखो ये बोर हो रहा है, तो मैं सबसे पहले मैं नीचे पहुंचा देती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता यार बच्चों के साथ नीचे जाके दो घंटे रहना, ये नीचे जाता है मैं मुझे बहुत एंजाइटी होने लगती है, क्या कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। सिंपल सा आलू दम बना रही हूँ, बहुत इजी और बहुत थोड़ा सा बनाऊंगी, बस ये जो तो 4-5 आलू है पोटैटो, इसके नहीं बनाना मुझे आज, क्योंकि मैं अभी ना अभी का खाना अभी खत्म हो जाए, मैं इतना ही बनाने वाली हूँ, ज्यादा बन जाएगा तो मैं रात में कुछ प्लान कर रही हूँ, तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पालक पराठा आटा। ये पालक को मैंने अच्छे से धो के इसको मिक्सी में ग्राइंड करके और इसका आटा गूंथा है नमक और रिफाइंड डाल के, तो इसका मैं बनाऊंगी पराठे, बहुत अच्छा बनेगा, हेल्दी कलरफुल हेल्दी सब, मतलब जितनी चीजें बोलो उतना, तो मैं साथ ही साथ वो भी बनाऊंगी। और फिर ये हम लोग लंच करने के बाद निकलेंगे मार्केट, बहुत सारा काम है, टेलर वाले भैया से कपड़े लेने हैं या कुछ कुछ चीजें जो संडे स्पेशल रहता है ना मार्केट का, सब्जियां वगैरह कुछ लेनी है, वो सारी चीजें हम करके फिनिश कर लेंगे। चलिए मैं बनाती हूँ फटाफट से, एक साइड में पराठे और ये थोड़ा सा डाला मैंने आमचूर पाउडर, ये बहुत सिंपल एकदम खट्टा खट्टा सा बनेगा, टमाटर वगैरह अच्छे से डाला है मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक प्याज और कुछ भी नहीं, ये ड्राई ड्राई सा बनेगा, अच्छा लगता है बिना धनिया उनिया के बनाऊंगी मैं आज। यहाँ पे मैं बनाऊंगी पराठे, मुझे ना इसका कलर बहुत अच्छा लगता है इस पराठे का, मैं स्टार्टिंग में इसलिए बनाती थी क्योंकि कलरफुल दिखता था, बीट वाला भी है ना पूरा रेड दिखता है, मैं वो भी बनाती हूँ तो मैं वो भी शेयर करूंगी। ठंडियों में ये सब चीजें मिल जाती हैं तो बना लेते हैं, हल्दी का हल्दी हो गया और टेस्ट का टेस्ट हो गया, अब बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि कलरफुल दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है क्यों है, उनको लगता है यार ये बहुत यमी सा पराठा है। पालक पराठा, पालक पराठा बनाओ, पालक पूरी बनाओ, कुछ भी बनाओ अच्छा लगता है।
रो रही। बोबो को भूख लगने के बाद बोबो को ऐसी रोना आने लगता है। नहीं बेटा रो रही। मम्मा को मेरा पेट में नहीं लगा। क्या नहीं हुआ? मम्मा को इनसे रोना चाहिए। हाँ ठीक है, आजा बोबो को आज सर आज रोते हुए देखिए। बोबो मेरा बेटा कैसे रोता है। जब बोबो को बहुत तेज से भूख लग जाती है तो बोबो खुद से नहीं खा पाता। एवरीवन, मैं आ गई मार्केट से। मैंने मार्केट में ऐसा बहुत था नहीं जो मैंने शूट नहीं किया। मैंने लिया आज ये दुपट्टा रेड कलर का। मेरे पास एक कुर्ती थी इसका मैंने मैचिंग ये दुपट्टा लिया। मुझे अच्छा लगा सिल्क टाइप का। ये क्या बोलते हैं इसको, रॉ सिल्क नहीं, ये मुझे अच्छा लगा। जो अपने ब्लाउजेस जो स्टिच करने दिए थे मेरे सारे ब्लाउजेस आ गए हैं एक साथ ही। मैंने दिए 8 ब्लाउज स्टिच करने के लिए तो सारा स्टिच होके मेरा आ गया। और मैंने ये 5 kg ऑरेंजेस बस मैंने इतना ही लिया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। मैं मेन मुझे ब्लाउजेस के लिए मैं गई थी। स्टिच होके आ गया। अब मैं इसको पहन के देखूंगी फिटिंग अच्छी रही तो बहुत अच्छा है। फिर ऑर्डर मुझे भेजना नहीं पड़ेगा भैया के पास। और मैं उसके अलावा फिर तो फिर चलिए फिर आपसे मिलते हैं। मैं मिलती हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बोबो बहुत थक गया है, गुस्सा हो गया है बोबो। अरे बोबो नाराज हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं। बोबो मुझे इतना जिद करने लगा और ग्रैप्स लेने के लिए। मैंने उसके लिए कुछ ग्रैप्स लिए तो मैंने घुल के दिया, ये खा रहा है। तो फिर चलिए फिर आपसे मिलते हैं। मैं मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरा संडे स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। सो संडे स्पेशल हमारा होता ही है कुछ ना कुछ। और अभी मैं जा रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग शूट करने आप लोगों के लिए वेरी स्पेशल। और आते के साथ मैंने पानी गिरा दिया। देखिए पूरा फर्स गिला है, मैंने फैन ऑन करके रखा है। ठंडी है थोड़ा सा, ठीक है बाहर से आओ ना तो फिर बॉडी वार्म रहती है, उतना ठंड लगती नहीं है। तो बस यही है समथिंग वेरी स्पेशल। तो स्पेशल ये था कि मैंने ये पट्टा ले लिया। देखते हैं मैंने उस पर कैसा जस्ता है। अब ब्लाउजेस मैं देखती हूँ पहन के अच्छी फिटिंग हुई है या नहीं हुई है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। टिल देन बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए।